हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दीप तिवारी है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट हेयर कट। तो मेरे हेयर की लेंथ इतनी हो गई है और अभी मुझे फिर से शॉर्ट हेयर कट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को जो हेयर स्टाइल पसंद आती है वो सिर्फ शॉर्ट हेयर पे ही पसंद आती है। इस वजह से मैं अपने चैनल पर सिर्फ सेल्फ हेयर स्टाइल बताती हूँ, तो मुझे खुद के बाल हेयर कट करने पड़ेंगे। तो चलिए, कैसे कट करना है, काफ़ी अच्छा दिखेगा अगर आप भी चाहोगे इस तरीके का कट कर सकते हो। एंड ये जो हेयर कट है वो आपके ऑल ड्रेस पे जाएगा, यानी कि वेस्टर्न एंड इंडियन जो भी आप पहन रहे हो सब पे आप ट्राई कर सकते हो। उससे पहले मैं एक क्रीम का रिव्यू करना चाहती हूँ, जो कि है वाइटनिंग SPF 15 एच के अंदर, जो कि आप धूप में भी लगा के जा सकते हो, फुल बॉडी एंड फेस पे भी लगा सकते हो, मॉइस्चराइजिंग भी ऐड है इसके अंदर। और ये है आपकी स्किन टोन को लाइटर करने के लिए, एंड जो आपकी स्किन जल जाती है धूप की वजह से उसको इवन करता है एंड काफ़ी इफेक्ट डालता है। ये पहले भी मैंने इसका रिव्यू किया था, बट उस टाइम मैंने यूज नहीं किया था तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकती थी, बट अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर आपकी भी स्किन पे टैनिंग है या फिर आप पर डे बाहर जाते हो या फिर आपकी स्किन काफ़ी पहले के टाइम से काफ़ी डार्कर हो चुकी है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मैंने इसको मीशो से मंगाया था। और स्किन टाइप है तो कोई भी इसको ले सकता है। ध्यान से देख लीजिए, वाइटनिंग SPF 15 फेयरनेस मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन आप डालोगे ऐसा करके तो ये आ जाएगा, आप इसको ले सकते हो। फिर MRP जो है वो 399 यानी कि 400 का है, बट मैंने इसको ऑफर के टाइम पे लिया था तो मुझे ये 200 समथिंग का पड़ा था। ओके, तो चलिए हेयर कट स्टार्ट करते हैं। हेयर कट करने के लिए पहले आपको इस तरीके से सेंटर पार्टीशन करनी है बैक से भी। जस्ट ईयर के नीचे आपको एक रबर बैंड लगा लेना है, सेल्फ करने के लिए ऐसा करना है आपको। अगर आप खुद से कट कर दो तो आपको इसी तरीके से कट करना है। सेम इसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिए, मेरा जो ये ईयर लेंथ का एंड पार्ट है उससे थोड़ा सा नीचे मैंने लिया हुआ है, एक फिंगर का गैप लेते हुए। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कोनी बनानी है। रबर बैंड को बिल्कुल टाइटली लगा लेना है, लूज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको जितनी लेंथ रखनी है अपने बालों की उसके अकॉर्डिंग आप रबर बैंड को नीचे की तरफ खींचोगे। तो मुझे अपना इतना लेंथ कट करना है, मैंने यहाँ तक खींच लिया है। ओके, अब आपको रबर बैंड के जस्ट ऊपर से आपको कट करना है। अगर आपको लूज लगे तो आप रबर बैंड को एक बार और टाइट कर लीजिए। अगर आप बैंगल्स हो तो फुल टाइट रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए जिससे कि आपका हेयर कट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो रबर बैंड के जस्ट ऊपर से मैं यहाँ से कट स्टार्ट कर दूँगी। लेंथ कट हो चुकी है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। अब इसको अच्छे से ओपन करके देखो, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। बाद में और इसको सेट करेंगे हम लोग, तो एक लेयर आप ले लोगे, देन जहाँ तक आपको कोनी है रबर बैंड को सरकाना है, इससे आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। तो बस यहाँ तक ही हमारी ये लास्ट वाली पॉइंट है, तो इसको मैंने सरका लिया है। देन यहाँ पे मैं रबर बैंड को थोड़ा टाइट करूँगी। इस टाइम हमारे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बरसात है, कभी गर्मी सर्दी, इसके वजह से हेयर थोड़े शॉर्ट रहेंगे, तो हमारे हेयर जैसे कट करते करते हेल्दी होते हैं, तो आप भी चाहो तो कट कर सकते हो। तो अभी हमने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको माप लिया है, बिल्कुल ठीक से आया है। अब यहाँ पर हम लोग कट करेंगे रबर बैंड के ऊपर से। Thank you.
कंफर्म करेंगे और अच्छे से चेक करेंगे। अब हमको ऐसे देखने में तो इक्वल लग रहा है, बट जब हम इसको पोनी करते हैं या बैक साइड करते हैं तो कई बार हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरा तो ठीक है, मुझे मिरर में दिख रहा है यहाँ पे, बट अगर आपका ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको अगेन बीच की पार्टीशन कर लेनी है। पहले भी मैंने बताया था इस टाइप का वीडियो जिसको आपने बहुत भरपूर प्यार दिया, तो प्लीज़ इस चैनल इस वीडियो को भी वैसे ही सपोर्ट कीजिएगा। फ्रंट में लेके आएंगे, सारे हेयर को हुडी के पास लेके आएंगे, इस तरीके से अच्छे से कॉम करते हैं। और यहाँ पे आपको रबर बैंड लगा लेना है। इस तरीके से आप करोगे एंड फ्रंट में आप देखोगे कि आपका जो भी छोटा बड़ा हेयर होगा वो यहाँ पे आपको एक बार इक्वल दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरे शॉर्ट है बट यहाँ पे लॉन्ग दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके से फिंगर में पकड़ना है हेयर को और जितना भी पार्ट आपका लॉन्ग है उसको कट कर देना है। ध्यान से कट कीजिएगा। इस तरीके से करोगे तो आपका बैक से बिल्कुल बराबर हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे से हमारा कट हो चुका है और बिल्कुल इक्वल एंड बराबर दिख रहा है। बार बार फिंगर लगा के इस तरीके से चेक कर सकते हो, जो भी आपको एक्स्ट्रा लगे उसको आप कट कर दो। ओके, तो बैक से मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको। अभी जो हमारी हेयर की पोनी है वो बिल्कुल अच्छे से बराबर हो चुकी है, तो आप इस तरीके से स्ट्रेट हेयर कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं फ्रंट का हेयर कट करूँगी। फ्रंट के लिए आपको इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है बालों की, और जो पहले मैंने बताया था उसमें मैंने सीजर स्ट्रेट लगाई थी, बट मुझे यहाँ पे अभी लेयर्स में चाहिए, तो उसके लिए आपको कैसे कट करना है तरीके से पूरे हेयर को लेने हैं एंड अच्छे से कॉम कर रहे हैं। इक्वल होने से लाइनिंग कर्व को पढ़ाने से यहाँ पे देखिए। ओके, अब आपको जितनी लेंथ चाहिए इस तरीके से आप स्ट्रेट कट करोगे तो आपका जो हेयर है वो लेयर में दिखेगा, बट आप अगर इस तरीके से लेके जैसे मैंने पहले बताया था ऐसे कट करते हो तो आपका जो हेयर है वो स्ट्रेट में नहीं दिखता है। तो आपको अगर लेयर्स में लाना है सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सब लोगों से नहीं हो पाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो जो कि बहुत ईजीली हो जाएगा एंड लेयर्स भी काफ़ी अच्छे से आ जाएंगे। फ्रंट का हेयर कट करते टाइम ध्यान रखिएगा कि इधर का जो आपका ये लाइन है ये प्रॉपर दिखनी चाहिए इस तरीके से। ओके, मैं अपनी ठोड़ी के पास से कट कर रही हूँ, आपको जितना लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिए। इस तरीके का कट आएगा। इस तरीके से आप अगर गर्मियों का टाइम है तो आप इस तरीके से हेयर कट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा लुक आता है इस तरीके से, साड़ी पे भी जाएगा एंड वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये। इसके साथ अगर आपको लेयर देनी है जैसे कि आप हाई पोनीटेल बनाते हो या फिर कभी आपको हाई बन बनाना होता है तो आपको एक ऊँची पोनीटेल बना लेनी है। इस तरीके से भी आप क्लचर वगैरह लगाओगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है। Thank you.
तरीके से हाई पोनीटेल बना लेंगे आपको। स्पेसफुल तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना क्राउन एरिया चेक करना है। क्राउन एरिया होता क्या है, क्राउन एरिया जो आपके कान के ऊपर का पार्ट होता है उससे स्ट्रेट फिंगर को लेकर जाना है। एग्जैक्ट आपका रबर बैंड यहीं पे होना चाहिए। उसके बाद आपको अच्छे से कॉम करना है। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कट कहाँ पे करना है तो आप बैक पार्ट का एक नीचे का जो पार्ट है वहाँ से एक लेयर निकाल लोगे, बट ये ज़्यादा छोटा वाला है तो आपको थोड़ा सा ऊपर से एक लेयर निकालना है एंड इसको ऊपर तक लेके जाओगे और जहाँ तक आपका ये लेयर आ रहा है वहीं से आपको कट कर लेंगे। तो मेरा लेयर ये देखिए, ये वाला जो लेयर है वो मेरा यहाँ तक आ रहा है। जैसे ये मैंने एक लेयर निकाल लिया, ओके अब इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे। जहाँ तक आपका लेयर आ रहा है वहाँ से आपको कट कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा हेयर है चाहे आप ऐसे करोगे तो आपको दिखेगा बैक पार्ट का, ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए बैक पार्ट का हमारा हेयर दिख रहा है। तो यहाँ से आपको ये आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कट हो रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा हेयर कट हो रहे हैं जो कि आपका लेयर्स बनाने में काफ़ी अच्छा दिखेगा। और इसको एकदम स्ट्रेट कट कर देना है आपको, इतना हेयर हमारा एक हेयर निकल गया। और अब आप पोनी भी करते हो तो आपकी पोनी एकदम स्ट्रेट दिखेगी और अच्छी दिखेगी। वैसे आपकी पोनी एकदम पतली सी झाड़ी कर लेती थी बट इस तरीके से आप करते हो तो आपकी पोनी अच्छी दिखेगी और स्टाइलिश भी लगेगी। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ढीला कर दूँ ताकि आपको जो लेयर्स में देख रही सब्जी है वो प्रॉपर दिखे। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो या शायद अच्छी लगी हो हेयर कटिंग, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी सेल्फ कट करना चाहते हो तो इस तरीके से अपने बालों को कट दे सकते हो और ओपन के आपका कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा। Thanks for watching.